इसकी सरकार में, योगी की सरकार में नहीं, इसकी सहकल की सरकार में पत्रकार सबसे ज्यादा छीते हैं योगी की सरकार में। बता दो क्या हुआ, पूरे मुसलमान को कुछ नहीं हुआ, सारे मुसलमान को पैसा दिया है, सारे हिंदू को पैसा दिया, घर घर कौन करा, घर सारे मुसलमान को दिए बराबर, सारे हिंदू को बराबर दिए, सबके खाते खुलवाए, हमारे भी पैसे आए भाई, हम भी कह रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद सलमान कुरैशी है मेरा नाम। मोहम्मद सलमान कुरैशी देवबंद के? जी देवबंद के रहने वाला हूँ भैया, दालूम के पास का। अच्छा। सब कुछ है हमारे पास, हमारी टॉयलेट भी बनवाई, घर भी बनवाया टूटा हुआ, बताओ कौन सरकार ने बनवाया है अब तक? मुसलमान हूँ मैं, कह सकता हूँ मैं मुसलमान हूँ, मैं कहता हूँ ईमान से, हमारे 3 लाख रुपए आए है, 3 लाख आए है, और टॉयलेट के भी 5 लाख आए थे, कोई सरकार ने हमें। देवबंद का मुसलमान, देवबंद का मुसलमान किस तरह, भाजपा की तरफ क्यों? जो दे रहा है हम तो वोट उसको देंगे, अन्य तो हमें तो वोट योगी जी को देना है, योगी जी के है। देवबंद का मुस्लिम सपा पे क्यों नहीं जा रहा? सपा पे किस तरह चल जाएगा सपा तो होगी, सपा तो होगी, सपा योगी जी रहेगा, योगी जी आवेगा, योगी जी आवेगा, योगी जी रहेगा। सपा तो आपकी पार्टी मानी जाती है, सपा पे तो लात मार दी, पार्टी का माननी जाती है। क्या दिया है सपा ने बताओ, क्या दिया है, क्या दिया है सपा ने हमें? नहीं दिया है कुछ भी आज तक, बताओ कौन से हमारे खाते में पैसे आ गए? हमारा आधार कार्ड बनाया, पैन कार्ड बनाया, बताओ किसने बनवाया? सब चीज ऑनलाइन आ रही है इसकी सरकार में। कभी वहाँ जाओ, कभी वहाँ जाओ, कभी कोई मिनिस्टर नहीं है, कभी कोई एमपी नहीं आया, ये धक्के खाते फिर आज तक। अगर अब सब ऑनलाइन घर हो रहा है, सारे बदमाश अंदर बांट दिए। मेरा नाम फौजी है, मुझे बनागर का यूपी। नाम क्या है? नाम फौजी है, फौजी। अच्छा एक बात तो बताओ जी, सारे बदमाश बने बने मुझे बांट दिए। सुनो एटीएस, एटीएस बन रहा है, एटीएस, एटीएस बनने से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, बताओ कोई परेशानी नहीं? परेशानी है, क्या होगा एटीएस से फिर यहाँ होगा? विकास होगा भैया, विकास ही होगा, अब विकास हो गया, 4-3 साल से विकास होता आ रहा है, बताओ अब भी विकास ही होगा? इससे पहले किसी सरकार ने विकास नहीं कराया जैसा इस सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, हमारे योगी जी सरकार ने पैसा दिया है और उन्हीं को हम वोट देंगे। कहता हूँ मोहम्मद सलमान कुरैशी, सलमान कुरैशी, एटीएस देवबंद में ही क्यों? क्यों? अच्छी बात है, देवबंद में होना चाहिए। अरे क्या बात है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई है ना, ये छोटे लोग होते हैं जो है नेता लोग, भड़का वाजन देता है, मुसलमान को मरवा देंगे, मुसलमान को ये करवा देंगे, कुछ नहीं हो रहा है मुसलमान को, सब कुछ मिल रहा है, जो मुसलमान कहता है नहीं मिलता वो हमारे पास आओ, हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह, हम योगी जी से हम दिलवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा बीजेपी सरकार में मुसलमान को सब कुछ मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है बीजेपी सरकार में, कौन कहता है मुसलमान बीजेपी सरकार में कुछ नहीं मिल रहा है? हमें बताओ, सब मिल रहा है, राशन हमारे आ रहे हैं 2-2 बार, पैसे हमारे खातों में आ रहे हैं, घर हमारे बनाए जा रहे हैं, टॉयलेट हमारी बनाई जा रही है, और क्या चाहिए? घर भी जमीन भी हम दे देंगे आपको योगी जी। बात करने तो मना रहे, तुम्हारे तो मंच पे भी लगा लो यार, एक बार बताओ, ओवैसी आते हैं कहते हैं योगी की सरकार में एक ही वर्ग को मकान मिला है, ओवैसी को भी, ओवैसी कोई भी नहीं आ सकता क्योंकि वो तो साले खुद गद्दार है देश के, किस तरह ओवैसी खुद गद्दार है देश का, उसकी सरकार कैसे आ जाएगी यहाँ से, ये बताओ आप, बताओ। वही कहते मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम। अरे मुस्लिम तो हम भी है, हम भी कहते हैं मुस्लिम है, योगी को वोट नहीं देते? नहीं देंगे योगी को, जो हमें दे रहा है हम उसको देंगे, बाकी लात मार के भगा देगा ओवैसी को भी। ओवैसी क्या, ओवैसी का बाप भी आ जाएगा उसको भी ला, ऐसा नहीं मुसलमान है। अच्छा नहीं, ओवैसी ये कहते हैं जो 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 मकान मिले एक ही वर्ग को मिले, राशन मिला एक ही वर्ग को मिला, ऐसा है क्या? ऐसा कुछ नहीं है भैया, ये बता दो, कोई मुसलमान ये नहीं कह सकता राशन नहीं आया, खाता नहीं खुला है, पैसा नहीं मिला है, घर नहीं बना है, टॉयलेट नहीं बनी है, सब कुछ बना है, कहता है जो नहीं ऐसा होता है। ओवैसी को कह रहे हैं भैया? ओवैसी को ही कह रहा हूँ मैं तो, ओवैसी चाहे मेरी चीज कुछ बिगाड़ लेगा, ओवैसी क्या दिया है ओवैसी ने? आएगा नहीं, चाहे जितना मुसलमान को चाहे जितना भड़का ले, चाहे जितना अपना बना ले मुसलमान, कभी वोट नहीं देगा ओवैसी को भैया, ये हमारा वादा है। ऐसा क्यों ओवैसी को वोट? अरे भैया जिनने अपने ऐसी ऐसे तैसी करवा दी अपने आदमियों की, यहाँ क्या हमारी वो करेगा सेवा?
आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम नासिर अलवी। नासिर अलवी, यही रहो भाई, बात करेंगे। नासिर अलवी, आपको क्या लग रहा, किसकी हरी सरकार? नहीं, सरकार तो योगी की आनी। योगी की आनी? नासिर अलवी, आप भी योगी जी कह रहे हैं? मैं क्यों, बताइए क्यों ना कह सकूं मैं? जो आनी है वो तो आनी है। मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ, मैं कह सकता हूँ ना, आजाद देश में हूँ, आजाद बात कर रहा हूँ। बताइए, आजाद बात तो कर रहे, कह रहे सपा पे जाते हैं नासिर अलवी भाई साहब? नहीं, मेरे नाम से मतलब मेरे नाम का ठप्पा है क्या समाजवाद? नाम का ठप्पा नहीं है, लेकिन कह रहे हैं जो मुस्लिम वोट है जी वो सपा का है। मैं भैया, मैं आपको बताऊं, भारत जब आजाद हुआ 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद सब पूरा जितने भारतवासी हैं सब आजाद हो चुके हैं, ठीक है? सबको अपना अपना अधिकार है, कहाँ वोट डाल दे। मेरा अधिकार भाजपा पे है, मैं भाजपा पे डाल दूं। भाजपा क्यों बढ़िया लगी नासिर अलवी को? भैया एक बात बताएं मुझे, जब लॉकडाउन था, ठीक है, जिस टाइम लॉकडाउन था उस टाइम खातों में पैसे डाले, पहली बात। दूसरी बात, अब दूसरा लॉकडाउन लगा, मार्च तक राशन फ्री किया, दो बार मिला, साथ में तेल चना नमक भी दिया। तो भैया हम नमक हलाली करने वाले हैं, नमक हराम नहीं है हम लोग। अच्छा, इस बार का मुस्लिम नमक हलाली करेगा और भाजपा को वोट करेगा? नहीं, ये कोई बात नहीं होती, ये अपने दिल की बात होती। अच्छा, कौन मुस्लिम करेगा या नहीं करेगा, 100% कहीं नहीं होता। ओबीसी के बारे में क्या कहेंगे? ओबीसी के मैं आपको बताऊं, वो तेलंगाना गए हैं, उन्हें तेलंगाना में रहने दीजिए, यूपी से उनका कोई मतलब नहीं है। चुनाव आने पे पता नहीं चार पार्टी और आएंगी, अभी चार पार्टी और आने वाली है। एटीएस कमांड सेंटर बना देवबंद में नासिर अलवी, क्या ऐसा लग रहा है? भैया एक बात बताएं, एटीएस से मुझे क्या तकलीफ या आपको क्या तकलीफ? रहे हैं लोग तकलीफ कह रहे हैं, विकास के मुद्दे, विकास के मुद्दों को हटाने के लिए बनाया गया। भैया एक बात बताएं, मेरी बात सुनो, एटीएस से किसे तकलीफ होगी? जो आतंकवादी होगा, ठीक है? नासिर अलवी को तो तकलीफ नहीं है। नहीं, मुझे तकलीफ क्यों होगी? आपको तो तकलीफ नहीं। भैया हमें क्यों तकलीफ होगी? तकलीफ होगी जो बदमाश होगा, गुंडे होगा, उनको तकलीफ होगी। हमें अच्छी पार्टियां क्यों भरम फैला रही है? जो गुंडागर्दी करता है भैया उसको होगी, हमें कोई बदमाश। अब भी जाओ, अब मोदी होगी है ना सामने, नहीं आ रहे हैं ना सामने, इसलिए नहीं आ रहे हैं। एटीएस बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, हमें बहुत खुशी है, अच्छी बात है, हमारे यहाँ देवबंद के अंदर ये बनना है। अच्छा।